दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदानों के हे दाता सादर पधारिए सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरती भी नगमे गाती अंबर भी गुनगुनाता संसार सारा गाता सादर पधारिए सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए नैनों को है भिगोए यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए वो सदगुणों के सागर भरने हर एक गागर हर ही तुम्हें बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए सादर पधारिए सादर पधारिए। Thank you.
मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं।
जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे आप में भी आपकी दुनिया में सत्यों में आपकी दुनिया है ना वो, चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो, इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, चाहिए 5 सेकंड निकाल सकते हो या नहीं, 5 सेकंड ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके, है कोई? हाथ उठाओ, है कोई?
अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उन साबन यादों में हम समा कर, स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे, जो संपूर्ण पावन अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन, अपनी धरती गगन मंद पावन पवन नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन, आदि रूप आंखों में करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्म दर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे,
दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे आत्म दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे आए अनुभव दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे
Oh.
उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुना शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा के महावाक्य, शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन, जिसमें बाबा ने पहली बात कही, बाप को साक्षी बनाओ। सदा उठते ही
पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना, तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा, सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। तो बहुत सुंदर बात इसमें बाबा ने कही कि अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा से सुबह उठते ही मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बार बार अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को सोना भी तो बाबा के साथ ही। तो सुबह उठते ही बाबा से मीठी बातें करेंगे, दिन में बाबा के साथ रहेंगे और रात को बाबा के साथ ही सोएंगे, तो ज़रूर अमृत वेला शक्तिशाली होगा ही। दूसरी बात इसमें बाबा ने कही, मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। बाबा ने कहा, अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। ये बाबा ने अंडरलाइन किया कि रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज़ हो। ऐसी सच्ची सीताएं हो ना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितने न्यारे उतना बाप के प्यारे। तो इसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि अमृत वेले उठते ही अपने आप को याद की लकीर पर खड़ा कर दो। जैसे बाबा ने कहा, ट्रेन पटरी पर रहती है तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही अमृत वेले उठते ही अगर हम याद की पटरी पर खड़े हो जाएंगे तो हर कदम सदा श्रीमत प्रमाण ही होगा। और विशेष रूप से बाबा ने आज प्रवृत्ति में रहने वालों को कहा कि आपका अमृत वेला फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। अगर अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो बाबा से सहयोग मिलता रहेगा,
और गृहस्थ में रह कर के भी सच्ची सीता बन कर के रहना है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। और इसमें बाबा ने तीसरी बात कही, अंडरलाइन किया, अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर, एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। बाबा ने फिर इस बात को अंडरलाइन किया कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। ये बाबा ने अंडरलाइन करके पूछा है बच्चों से। तो हर एक को अपने अपने अंदर रात को सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या को चेक करना है और सुबह उठते ही अपने आप को दिनचर्या के प्रति संकल्प देना है कि आज की मेरी दिनचर्या कैसी होगी, उठना कैसे, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है, उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया वा व्यर्थ कर्म किया वा कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। बाबा ने फिर इस बात को अंडरलाइन किया, अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक के हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। तो बाबा की आज इस बात में अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष रूप से बाबा ने इसी बात पर जोर दिया कि सवेरे उठते ही अपने आप को याद की पटरी पर खड़ा कर दो, श्रीमत पर अपने आप को चेक करो कि मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म श्रीमत के प्रमाण हुआ। तो अगर हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म पूरे दिन श्रीमत प्रमाण होगा तो ज़रूर हमारा अमृत वेला शक्तिशाली होगा। तो आज से हम सभी इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन देंगे कि हर समय बीच बीच में अपनी चेकिंग करेंगे
कि बाबा को साथी बना करके हर कर्म किया, क्योंकि बाबा को अगर साथी बनाकर हम हर कर्म करते हैं तो हर कर्म स्वतः ही श्रीमत प्रमाण होगा, मर्यादा की लकीर के अंदर होगा और हम सच्ची सीता के रूप में होंगे जिनके हृदय में सदा राम समाया हुआ ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति।